103, that is addition and subtraction. And the first question is at the following. And I hope you all the students know how to do solve these questions. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आप लोग सेकंड थर्ड क्लास से ही एडिशन विद कैरी वाले क्वेश्चन करते आ रहे हैं. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड देन ऐड. इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? फॉर एग्जांपल दिस इज 5 डिजिट नंबर एंड दिस इज 4 डिजिट नंबर. जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में डिजिट को अरेंज करते हैं तो इस तरीके से करते हैं. मोस्टली स्टूडेंट इस तरीके से कर देते हैं अरेंज डिजिट को और फिर वो प्लस करना स्टार्ट करते हैं. बट दिस इज रॉन्ग. इस तरीके से अरेंज नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज यू राइट फर्स्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दिस स्टार्टिंग डिजिट एंड देन सेकेंड डिजिट. हाउ टू डू राइट सेकेंड डिजिट. सेकेंड डिजिट को कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे? यू विल राइट स्टार्टिंग फ्रॉम बैक साइड. सेकेंड डिजिट को कैसे लिखना स्टार्ट करोगे? बैक साइड से. हमेशा आपको वंस वाली ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड एंड ये 10,000. तो हमेशा आपको ये वंस वाली डिजिट होती है स्टार्टिंग पीछे से. ठीक है, तो अगर आपने यहाँ लिख दिया ये हो गया वंस, ये टेंस, हंड्रेड, तो इसका मतलब तो ये तो वंस वाली एंड वाली जो डिजिट होती है वो हमेशा वंस प्लेस वाली होती है. तो ये तो वंस प्लेस वाली, ये तो करेक्ट है. बट ये एट यहाँ पे आ रहा है टेंस के यहाँ पे, तो ये टेंस वाली थोड़ी ना है. ये क्या है? ये भी वंस प्लेस वैल्यू वाली डिजिट है. तो अगर आप इस तरीके से अरेंज करोगे तो वो रॉन्ग होगा. हमेशा आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे? बैक साइड से, पीछे से. देन 5, 2 एंड 3 अरेंज करने की प्रॉब्लम, कुछ मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स. देन उसके बाद भी इस तरीके से अगर हमेशा पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे, आगे आगे कितने भी नंबर आपके रहते हैं ब्लैंक, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको हमेशा पीछे से लिखना स्टार्ट करना है, हमेशा ध्यान रखना है. ऋतिक आपकी मिस्टेक बहुत बार रिपीट कर चुके हैं. आप हमेशा अरेंज प्रॉपरली नहीं करते डिजिट को, तो इस बार आपको ध्यान रखना है. आगे से ये मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी है. आपको हमेशा कोई भी नंबर होगा जो सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, कोई भी डिजिट आपको राइट डाउन करना स्टार्ट करनी है. आप हमेशा पीछे से नंबर स्टार्ट करना स्टार्ट करोगे. ठीक है, बस ये होती है. देन उसकी बात तो फिर भी स्टूडेंट्स प्लस एडिशन कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको ऑनली अपनी बुक में करना है. एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट एंड मीन्स ए एंड बी क्वेश्चन इन योर कॉपी. ऑनली टू क्वेश्चन डू इन योर कॉपी, अदर रिमेनिंग क्वेश्चन फर्स्ट डू इन योर बुक. थैंक यू.